मेरा जो लेक्चर है ये है EL 308 टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग सिस्टम, इसकी यूनिट नंबर 5। इसका टॉपिक है 5.2 लैन। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि एक नेटवर्क और कंप्यूटर डाटा आर इन ए सेम फिजिकल लोकेशन, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो एक फिजिकल लोकेशन पे हो, जैसे कि घर पे, बिल्डिंग में, स्कूल में इत्यादि। और इसमें कंप्यूटर के साथ साथ में अपन जो यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे और जो आपस में डॉक्यूमेंट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन शेयरिंग कर सकते हैं, प्रिंटर शेयरिंग कर सकते हैं, ईमेल शेयरिंग कर सकते हैं। और ये संख्या 2 से लेके हज़ारों में भी हो सकती है। यहाँ पे इसमें रेशियो किए गए हैं BNC कनेक्टर कोक्सल केबल के लिए, और RJ45 यूज़ किया गया, वो इथरनेट के लिए यूज़ किया गया है। और नेक्स्ट जो बता रहा है कि 95% ऑफ लैन यूज़ करते हैं वो इथरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। IEEE 802.3 यूज़ करते हैं। और लैन के अंदर जनरली दो हार्डवेयर लेयर होती हैं, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। और डाटा लिंक लेयर परफॉर्म करती है 3 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है, तो मैसेज को डिक्लाइनेशन करती है, और मीडियम एक्सेस कंट्रोल करती है, और एरर कंट्रोल करती है। और इसमें जो नेक्स्ट बताया गया है कि अरनेट जो इथरनेट है कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स, बट सिंस एरर्स आर रेयर इन मॉडर्न लेन, एरर करेक्शन अनकॉमन, यानी कि इन दिनों एरर करेक्शन मतलब काफ़ी डिफिकल्ट हो रखा है। नेक्स्ट इसने बता रखे हैं कि 10BASE-T, 100BASE-T ये जो को फिजिकल लेयर इथरनेट प्रोटोकॉल के एग्जांपल हैं। इसमें यूज मतलब नेक्स्ट जो अपना लेन में यूज़ करते हैं वो बताए गए हैं कौन कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। तो इसमें दो तरह की टोपोलॉजी होती है। पहली होती है लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी बताती है कि नेटवर्क में जो आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। और नेक्स्ट जो बताया गया वो आती है आपकी फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी दो तरह की होती है, शेयर और स्विचिंग इथरनेट, जिसमें अपन बस, स्टार आदि आदि लॉजिकल टोपोलॉजी यूज करते हैं। तो ये टोपोलॉजी यहाँ बताया गया है कि टोपोलॉजी एक जियोमेट्रिक लेआउट ऑफ नेटवर्क, कि नेटवर्क का जियोग्राफिक लेआउट किस तरह से है वो बताता है। तो लॉजिकल टोपोलॉजी इसमें भी बताया है मैंने भी थोड़ी देर पहले। नेक्स्ट आता है अपना जो बताया गया है इसमें शेयर्ड इथरनेट। शेयर्ड इथरनेट जो नीचे अपना डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में साफ दिख रहा है अपन को। एक तो लगी हुई अपनी नेटवर्क इंटरफेस केबल लगी हुई है, और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है, केबल लगी हुई है, और हब लगा हुआ है। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ये अपना नेटवर्क कार्ड होता है, और ये जो नेटवर्क अडाप्टर्स केबल्स इनको कंप्यूटर से कनेक्ट करने में अपनी हेल्प करता है। तो जो निक कार्ड है वो फिजिकल और डाटा लिंक लेयर दोनों का पार्ट होता है, और इसमें यूनिक डाटा लेयर एड्रेस होता है, और जिसको अपन मैक एड्रेस भी बोलते हैं। दूसरी इसमें जो नेक्स्ट बताया गया है वो अपनी केबल्स यूज़ करते, केबल के लिए बताया गया है कि इसमें जो जो फिजिकली कनेक्शन के लिए केबल्स होती हैं वो केबल होती हैं, वो अपनी ट्विस्टेड पेयर भी हो सकती हैं और ऑप्टिकल फायर भी हो सकती हैं, और डाटा इनके थ्रू अपन 3 तरीके से भेज सकते हैं। वन वे सिंप्लेक्स होता है, बोथ वे, वन वे एट ए टाइम ये होता है, हाफ डुप्लेक्स, और फुल डुप्लेक्स होता है, बोथ वे एट ए सेम टाइम। ये अपनी डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजीज बताई गई हैं, जिसमें बस टोपोलॉजी बताई गई है, उसके नीचे जो बताई गई अपनी नीचे जो बताई गई अपनी फिजिकल टोपोलॉजी बताई गई है। ये डिफरेंट डिफरेंट अपनी टोपोलॉजी बताई गई हैं। अब ये बताया गया है कि स्विच इथरनेट टोपोलॉजी में क्या होता है कि स्विच इथरनेट टोपोलॉजी यूजेस
स्विचेज इंस्टीट्यूट ऑफ हब्स, यानी कि इसमें अपन स्विच को यूज़ करते हैं हब्स की जगह। स्विचेज डेट मेक्स ए स्विचिंग डिसीजन बेस ऑन डाटा लिंक लेयर एड्रेस कॉल वर्क ग्रुप और लेयर टू स्विचेज, यानी कि ये अपनी लेयर टू स्विचेज के लिए डाटा लिंक लेयर एड्रेस को के डिसीजन पे डिपेंड करता है। जो नेक्स्ट इथरनेट की फिजिकल लेयर स्टैंडर्ड बताए गए हैं, इससे पहले बताए थे मैंने, इसके तीन स्टैंडर्ड होते हैं। पहला होता है 10BASE-T, यानी कि ये 10 Mbps की लाइन तक काम करता है। टी यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर के लिए शो किया गया है। और जो नेक्स्ट आती है, वो आती है अपनी फास्ट इथरनेट, जिसको 100BASE-T बोलते हैं, 100BASE-F भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर फाइबर के लिए स्टैंड किया गया है। और इससे नेक्स्ट जो है वो अपना गीगाबिट इथरनेट होता है, जिसमें 1 GB इथरनेट, जिसको 1 GBE या 10 GBE भी बोल सकते हैं। अब इसने इन तीनों को बताया गया, जैसे कि पहला बताया गया 10BASE-T इथरनेट के स्टैंडर्ड में क्या होता है, इसमें अपन ट्विस्टेड पेयर केबल काम में लेते हैं। ये बताया गई है लैन की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, कि एक तो ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, यानी कि आउटसाइड का कोई भी रेगुलेटरी बॉडी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। और जो लैन होता है वो अपनी काफ़ी हाई स्पीड पे काम करता है, जैसे कि अपनी लैन को कंपेयर करें तो। और इसके अंदर बहुत सारे मीडिया कंट्रोल होते हैं, जैसे कि टोकन रिंग है, इथरनेट है। यहाँ पे बताए गए हैं लैन के एडवांटेज क्या क्या हैं। तो लैन के एडवांटेज बताया गया है कि इसमें हार्ड डिस्क को, DVD को, ROM को, इनको भी अपन शेयर कर सकते हैं, जिससे अपना क्या होगा कि जो और हार्डवेयर परचेज की उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और इसमें एक सॉफ्टवेयर को भी अपन बहुत सी जगह काम में ले सकते हैं, कि उसको एक बार परचेज करना पड़े। और जो सारा नेटवर्क का सारा डाटा है वो एक ही जगह स्टोर होता है। और इसमें जो डाटा और मैसेज का ट्रांसफ़र काफ़ी इजी होता है। और इसके लैन के द्वारा अपन सारे डाटा को मैनेज कर सकते हैं एक ही स्थान पे। और नेक्स्ट वो है लैन काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। इसके साथ जो आते हैं वो आते हैं लैन के डिसएडवांटेज। लैन के डिसएडवांटेज सबसे बड़ी पहली चीज़ तो ये है कि जैसे कि अपन इसमें कॉस्ट को सेव करेंगे तो क्या होगा कि जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग है वो इसकी बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट जो है कि लैन के जो डिफरेंट इसके जो एडमिन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की इसकी जो अपन टोपोलॉजी लगाते हैं उसमें, तो एडमिन किसी भी कंप्यूटर का पर्सनल डाटा वो उसको चेक कर सकता है, और उसको इस बारे में पता भी नहीं लगता है। और नेक्स्ट है जो इसका जो बताया गया है वो उसका सिक्योरिटी को लेके गया है, क्योंकि इसकी जो क्योंकि इसमें डाटा एक जगह स्टोर होता है, इसलिए उसका सेंट्रलाइज डाटा सिक्योरिटी में दिक्कत आती है। और नेक्स्ट जो आता है कि लैन को एक कांस्टेंट लैन एडमिशन चाहिए, जो इसको लगातार देखता रहे हार्डवेयर फेलियर या सॉफ्टवेयर सेटअप से संबंधित।